खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। निर्जला एकादशी पर विमल द्विवेदी का सामाजिक समरसता का अनूठा प्रयास। शहर के मोचियों को बांटे मिट्टी के घड़े व खाद्य सामग्री। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। इसका महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 24 एकादशी का व्रत ना कर सके तो केवल इस व्रत को रख कर सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक व भाजपा नेता विमल द्विवेदी द्वारा एक अनूठा अभियान कुछ वर्षों से चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के मोचियों को अंगवस्त्र भेंट कर मिट्टी के घड़े, खाद्य सामग्री आदि वितरित की जाती है। इस पर विमल द्विवेदी ने कहा, सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व है और हिंदू समाज की सभी जातियां हिंदुत्व का स्तंभ है। इसलिए हिंदू समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति भी गर्व कर सकें, इसलिए ये दान उन्हें दिया जाता है, जो कि हिंदुओं के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम करता है। नारायण सेव द्वारा गत वर्षों की बात, इस वर्ष भी निर्जला एकादशी पर शहर के मोचियों को मिट्टी के घड़े व खाद्य सामग्री देकर सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया गया है। सनातन धर्म में दान धर्म का बड़ा महत्व है और हिंदू समाज की सभी जातियां हिंदुत्व का स्तंभ है, इसलिए हिंदू समाज की अंतिम पंक्ति की व्यक्ति को भी गर्व कर सके, इसलिए ये दान उन्हें दिया जाता है, जो कि हिंदुओं के बीच सामाजिक समरसता बढ़ाने का काम करता है। आज नरसेवा नारायण सेवा द्वारा शहर के मोची का काम करने वाले मोचियों को अंगवस्त्र घड़े व खाद्य सामग्री देकर उनको सम्मानित किया गया है और निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। आप सबके माध्यम से मैं समस्त जनपदवासियों सहित देशवासियों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।